ईरान और पाकिस्तान में तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इमरान खान को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति में बदलाव हो सकता है। ये बात सच है, यहाँ तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मई 1998 में दुनिया के तमाम देशों के विरोध के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एक के बाद एक 3 परमाणु परीक्षण किए गए। हिंदुस्तान के इस धमाके को सुनकर पूरी दुनिया हिल उठी थी और भारत के खिलाफ कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने अपनी सुरक्षा नीति से कोई समझौता नहीं किया। इसके साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ कर दिया था कि हिंदुस्तान किसी भी देश के खिलाफ परमाणु बम का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज, हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। सरकार चाहे कोई भी हो, भारत यही कहता रहा कि तबाही के इन हथियारों को पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। हिंदुस्तान अपनी परमाणु ताकत को विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद बौखलाया पाकिस्तान अपनी सारी हदों को पार कर हिंदुस्तान को कीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहा है। जबकि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि हिंदुस्तान से टकराने का मतलब है अपनी तबाही को दावत देना। अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पोखरण में पहुंचे और श्रद्धांजलि देने के बाद परमाणु परीक्षण को लेकर वाजपेयी के साहसिक फैसले को याद किया। अटल जी ने यहां पर परमाणु परीक्षण की इजाजत दी और भारत पारमाणविक दृष्टि से शक्तिशाली देशों की कतार में आकर यह खड़ा हो गया। तो मेरे अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि क्यों ना उसी पोखरण की धरती पर ही चलकर मैं आज जब अटल जी की पहली पुण्यतिथि है तो उस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं। भारत की ओर से पहली बार परमाणु नीति में बदलाव के संकेत दिए गए हैं। समय रहते पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आने वाले दिनों में भारत अपनी परमाणु नीति में बड़ा बदलाव कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।